गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एडजेक्टिव ऑफ डिग्रीज। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिग्रीज। ओके स्टूडेंट, तो एडजेक्टिव हैज 3 डिग्रीज। ओके स्टूडेंट, एडजेक्टिव has 3 degrees. Is that clear student? Adjective has 3 degrees. First, positive degree. Second, comparative degree. Third, superlative degree. It has 3 degrees. First, positive degree. Second, comparative degree. और थर्ड, सुपरलेटिव डिग्री। और ये दिस टॉपिक इज ऑफ 6th to 8th स्टैंडर्ड। ओके स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है 6th क्लास से 8th क्लास तक है। ओके स्टूडेंट, क्लास 6th to 8th। तो सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई टेल अबाउट दिस डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को हिंदी में मूल अवस्था कहते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉजिटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री, नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री को उच्चतर अवस्था। थर्ड, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को स्टूडेंट उच्चतम अवस्था। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो कैसे पता चलेगा स्टूडेंट कि सुपरलेटिव ये पॉजिटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है और ये सुपरलेटिव डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री में स्टूडेंट एज वाइज, दिस इज पॉजिटिव डिग्री। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? कंपैरेटिव डिग्री we can change into comparative degree wiser. Okay student, next superlative degree. Superlative wiser से पहले और wiser के बाद student then का use किया जाता है। ओके स्टूडेंट, कि वाइजर के बाद देन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में स्टूडेंट वाइजेस्ट और मोस्ट का यूज किया जाता है, प्लस में पॉजिटिव डिग्री। इसी प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री में भी मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। इज दैट क्लियर स्टूडेंट?
तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है स्टूडेंट उसमें वाइज का यूज होता है, और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है स्टूडेंट उसमें वाइजर प्लस में देन का यूज किया जाता है, और उसमें एक चीज ऐड होती है ईआर, ईआर को ऐड किया जाता है। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट जब उसे सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ईएसटी का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और मोस्ट प्लस पॉजिटिव डिग्री भी सुपरलेटिव डिग्री में ही आती है, और अगर मोर दिया हुआ है और प्लस में पॉजिटिव डिग्री है तो वो कंपैरेटिव डिग्री में ही आती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, नेक्स्ट कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल अबाउट दिस डिग्री। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कि पॉजिटिव डिग्री होती क्या है स्टूडेंट? पॉजिटिव डिग्री फर्स्ट, पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन A quality or quantity is expressed simply. As positive degree is used when a quality or quantity is expressed simply. Is that clear student? Next, as jaise good, wise, strong, intelligent, beautiful, as जैसे कि good, wise, strong, intelligent और beautiful are positive degrees. Okay student, is that clear? Next, examples. Formula. Student, positive degree का formula होता है जो इस प्रकार है, subject plus verb as so plus positive degree plus as plus subject second. Is that clear student? ये positive degree का formula होता है student. ओके, एग्जाम्पल्स, टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस डिग्री। एग्जाम्पल्स स्टूडेंट, फर्स्ट अमिताभ इज ए गुड एक्टर, अमिताभ इज ए गुड अमिताभ इज ए गुड एक्टर।
ओके स्टूडेंट, अमिताभ इज ए गुड एक्टर। तो अब इसमें वी फाउंड पॉजिटिव डिग्री। ओके स्टूडेंट, कि पॉजिटिव डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव डिग्री ये। ओके स्टूडेंट, इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब इसकी कंपैरेटिव डिग्री बेटर, कौन सी डिग्री हो गई ये? कंपैरेटिव डिग्री। अब इसको अगर सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते हैं स्टूडेंट, तो बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, राम इज एज इंटेलिजेंट एज सी। राम इज एज इंटेलिजेंट एज सी। राम इतना इंटेलिजेंट है जितना वह सी। ओके स्टूडेंट, तो इनमें कोई कंपैरेटिव, कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट, इक्वल है, तो इसीलिए ये जो डिग्री है वो कौन सी होगी? पॉजिटिव डिग्री। और कैसे पता चलेगा कि ये पॉजिटिव डिग्री है? तो इसके लिए स्टूडेंट यहां पर इंटेलिजेंट से पहले मोर का यूज किया जाता है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर अगर इस डिग्री को कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो इंटेलिजेंट से पहले मोर का यूज होगा और इंटेलिजेंट के बाद इस कंपैरेटिव डिग्री के, सॉरी पॉजिटिव डिग्री के बाद किसका यूज होगा? टेन का यूज होगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। ओके स्टूडेंट, राम इज एज इंटेलिजेंट एज सी, तो ये पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल। ओके स्टूडेंट, सी इज नॉट सो वाइज एज ही। सी इज नॉट सो वाइज एज ही। ओके स्टूडेंट, अब ये भी पॉजिटिव डिग्री है। ओके स्टूडेंट, ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। कैसे पता चला ये पॉजिटिव डिग्री है? कि अब इसमें देखो स्टूडेंट, न तो आर का यूज, ई आर का यूज हुआ इसमें। ओके स्टूडेंट, और इस सेंटेंस में देन का भी यूज नहीं हुआ है डिग्री के बाद। ओके स्टूडेंट, तो पॉजिटिव डिग्री के बाद यहां पर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ई आर का भी यूज नहीं हुआ है और इसमें देन का भी यूज नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट, और तो इसीलिए ये डिग्री कौन सी हो गई? पॉजिटिव डिग्री हो जाती है। ओके स्टूडेंट, ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री का एग्जांपल है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री जिसे हिंदी में
उच्चतर अवस्था कहते हैं। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन वन क्वालिटी व्हेन वन क्वालिटी और क्वांटिटी इज कंपेयर्ड विद अनदर। स्टूडेंट इसमें ये जो कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री इज यूज व्हेन वन क्वालिटी और क्वांटिटी इज कंपेयर्ड विद अनदर। ओके स्टूडेंट, किसी भी दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं ओके स्टूडेंट, या टू पर्सन या फिर टू थिंग या टू प्लेस, ओके स्टूडेंट, तो इनके बीच में कंपेयर किया जाता है, ठीक है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में कंपेयर किया जाता है, ओके तो इसे क्या कहते हैं, कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं, जिसमें तुलना की जाती है दो व्यक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में और दो स्थानों के बीच में। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? इट इज फॉलो बाय देन, इट इज फॉलोड बाय देन, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद स्टूडेंट, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज किया जाता है, ओके, एज बेटर वाइजर स्ट्रॉन्गर इंटेलिजेंट, से पहले मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर ब्यूटिफुल। जैसे कि बेटर, गुड, बेटर, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, वाइजर स्ट्रॉन्गर मोर इंटेलिजेंट और मोर ब्यूटिफुल। ओके स्टूडेंट, दीज आर कंपैरेटिव डिग्रीज। ओके स्टूडेंट, एज एग्जाम्पल्स, टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस डिग्री। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बता देता हूं स्टूडेंट, फॉर्मूला ऑफ कंपैरेटिव डिग्री, सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस ईयर पॉजिटिव डिग्री प्लस ईयर प्लस देन प्लस सब्जेक्ट टू ETC एक्सेट्रा। दिस इज फॉर्मूला ऑफ पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? यह कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मूला है स्टूडेंट। ओके, एग्जांपल्स
फर्स्ट अमिताभ इज बेटर देन सलमान. अमिताभ इज बेटर देन सलमान. ओके स्टूडेंट, तो अब देखो ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री. कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री. ओके स्टूडेंट, कंपैरेटिव डिग्री में ईआर का यूज किया जाता है, और कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद, ओके स्टूडेंट, कंपैरेटिव डिग्री के नियर क्या होगा? देन का यूज किया जाएगा. ओके स्टूडेंट, कंपैरेटिव डिग्री के नियर देन का यूज किया जाता है. तो ये कौन सी होगी? कंपैरेटिव डिग्री हो गई. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अमिताभ इज बेटर देन सलमान. ओके स्टूडेंट, यू कैन फाइंड इजिली कंपैरेटिव डिग्री. कि कैसे कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल है ये, कि कंपैरेटिव डिग्री में स्टूडेंट ईआर का यूज होता है पॉजिटिव डिग्री के साथ, पॉजिटिव डिग्री के साथ प्लस में ईआर का यूज किया जाता है. पॉजिटिव डिग्री के साथ ईआर का यूज होता है. ओके स्टूडेंट, उसके बाद ये पॉजिटिव डिग्री है, ईआर का यूज किया हमने, उसके बाद देन का यूज किया, और फिर सब्जेक्ट सेकंड सलमान का यूज किया. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अकॉर्डिंग टू अगर फॉर्मूला बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट वन अमिताभ, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर पॉजिटिव डिग्री के साथ या ईआर का यूज किया, तो ये कंपैरेटिव डिग्री है स्टूडेंट, बेटर, क्योंकि इसकी जो पॉजिटिव डिग्री है वो गुड होती है, और गुड की कंपैरेटिव डिग्री बेटर होती है. ओके स्टूडेंट, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गई. तो ये कौन सी डिग्री होगी? कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री के बाद जस्ट देन का यूज किया जाता है. फिर नेक्स्ट क्या है फॉर्मूले में, नेक्स्ट स्टेप क्या है? सब्जेक्ट टू सलमान. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये पॉजिटिव डिग्री, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल इस प्रकार से पता किया जाता है. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल, राम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सीता. राम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन सीता, या फिर यहां पर श्याम कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, राम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन श्याम. कि अब देखो स्टूडेंट, किसमें कैसे पता चला कि ये कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल है? तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए मैंने क्या बताया था, एक तो मोर का यूज होगा, प्लस में पॉजिटिव डिग्री होगी. ओके स्टूडेंट, और पॉजिटिव डिग्री के बाद, उसके बाद ये कौन सी डिग्री बन गई? कंपैरेटिव डिग्री बन गई. कैसे? क्योंकि पॉजिटिव डिग्री से पहले मोर का यूज हमने किया है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए. ओके स्टूडेंट, फिर उसके बाद कैसे पता चलेगा, आइडेंटिफाई कैसे होगा कि कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल है? तो यहां पर मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट ये पॉजिटिव डिग्री है, और पॉजिटिव डिग्री से पहले हमने मोर का यूज किया, तो ये कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो गई. उसके बाद ये जो देन है, ओके स्टूडेंट, इसका यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री के जस्ट बाद. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल है. थर्ड एग्जांपल, ही इज नॉट wiser, he is not wiser than I. He is not wiser than I. He is not wiser. अब देखो स्टूडेंट, यहां पर wiser का यूज हुआ है. wiser क्या है? कंपेरेटिव डिग्री है, क्योंकि wise क्या होती है? सुपर, ये पॉजिटिव डिग्री होती है. wise पॉजिटिव डिग्री होती है,
और ER का यूज किया है तो ये कौन सी डिग्री बन गई? कंपेरेटिव डिग्री बन गई. ओके स्टूडेंट, तो इसलिए ही इज नॉट वाइजर और कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज हुआ है तो ये कौन सी डिग्री का एग्जाम्पल है? कंपेरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? कंपेरेटिव डिग्री, ये कंपेरेटिव डिग्री, ये भी कंपेरेटिव डिग्री. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट, तो इससे ये पता चलता है कि कैसे कंपेरेटिव डिग्री को आइडेंटिफाई करेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए आप लोगों को अच्छे तरीके से. ओके स्टूडेंट, कि कंपेरेटिव डिग्री का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री. ओके स्टूडेंट, या फिर पॉजिटिव डिग्री होगी और प्लस में ER एड होगा, फिर उसके बाद इन दोनों के बाद फिर क्या आएगा? देन का यूज किया जाता है, फिर उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट टू का यूज किया जाता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? तो ये कौन सी डिग्री के एग्जाम्पल हो गए? कंपेरेटिव डिग्री के एग्जाम्पल हमने किए हैं. ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी है वो है सुपरलेटिव डिग्री. थर्ड सुपरलेटिव डिग्री, उच्चतम अवस्था. उच्चतम अवस्था सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन वन पर्सन और थिंग इज is above all others in the particular quality or quantity. As तो स्टूडेंट सुपरलेटिव डिग्री के बारे में स्टूडेंट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, टेक केयर, बाय फॉर नाउ.